Hi guys, welcome back to my channel Bake Your Dreams, and today we are going to make chocolate ombre cake. Guys, it's too easy to make, magar dekhne mein lag raha hoga kitna tough hai banana. So please watch till the end. So let's begin. First we need all purpose flour, which is maida, 2.5 cups. मेक श्योर कि आप अपने जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उसको आप सिफ्ट करना ना भूलें. देन इट्स टाइम टू ऐड सॉल्ट 1/4 टीस्पून, एंड यू कैन स्किप इट ऑल्सो अगर आप सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं. बेकिंग पाउडर 3 टीस्पून. गाइस, कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ हम फ्लावर ही सिफ्ट करते हैं और बेकिंग पाउडर सोडा भूल जाते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर ड्राई इंग्रेडिएंट सिफ्ट करें. Mix all the dry ingredients properly and make sure there are no lumps. So guys, इस रेसिपी के लिए हमें बटर मिल्क चाहिए 1 कप. तो हम इसे घर पर ही बना लेंगे. इट्स वेरी इजी टू मेक. जस्ट ऐड 1 टेबल स्पून ऑफ विनेगर इन 1 कप ऑफ मिल्क एंड कीप इट असाइड फॉर 5 मिनट्स, एंड योर बटर मिल्क इज रेडी. We need 115 grams of butter, and make sure your butter is at room temperature. In this recipe, I am using butter and oil both, and I am using 1/2 cup of oil here, and I am using vegetable oil here. You can use canola oil or sunflower oil. It's time to add caster sugar, 1 cup of caster sugar in our butter oil mixture. Really well until light and creamy. This cake recipe uses both butter and oil because it gives it the best possible taste while still preserving the soft fluffy texture that you want. Using all butter will actually likely make your cake more dense and dry. It's time to add egg here, and I'm using 2 eggs. Make sure your egg is at room temperature. Mix it until everything is well combined. It's time to add flavor. I'm using 1 tablespoon of vanilla extract here. So guys, सबसे पहले हम dry ingredient add करेंगे, then buttermilk add करेंगे. इसको हम parts में add करेंगे, एक साथ ही सारा add नहीं कर देंगे. इसका भी एक reason है, क्योंकि अगर हम एक बार में सारा liquid add कर देंगे तो हमारा जो batter है वो separate हो जाएगा और curdle हो जाएगा. और अगर हम सारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक बार में ऐड कर देंगे तो हमें ओवर मिक्स करना पड़ेगा, विच विल यील्ड अ टफर केक. हमारा केक बैटर बिल्कुल रेडी है. इट्स टाइम टू डिवाइड आवर केक बैटर इनटू 3 इक्वल पोर्शन, क्योंकि हमें ओम्ब्रे केक बनाना है, एंड ओम्ब्रे इन विच द कलर इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम लाइट टू डार्क. गाइस, मैंने केक बैटर को इक्वली मेजर कर लिया है वेइंग स्केल पर. ये 250 ग्राम ईच है. So we will start with the dark color, and for that we need melted chocolate, dark melted chocolate, and I'm using melted chocolate plus 1 tablespoon of cocoa powder here. आपको जितना डार्क चाहिए आप उतना चॉकलेट ऐड करके अपने केक बैटर को डार्क कर सकते हैं, मगर आप कोको पाउडर इसमें 1 टेबल स्पून ही यूज़ कीजिएगा. For the second light shade of brown, I'm using little melted chocolate, and I'm not using cocoa powder this time. And suppose आपका केक ज़्यादा ब्राउन हो जाता है तो आप उसमें व्हाइट चॉकलेट ऐड करके उसको ठीक कर सकते हैं. So for the last layer, I'm using only white chocolate here. आप इसको skip भी कर सकते हैं क्योंकि हमारा बैटर ऑलरेडी वाइट है यहाँ पर. हमारे तीनों कलर्स रेडी हैं, और अब हमें चाहिए लोफ पैन जिसको मैंने ऑलरेडी ग्रीस किया है और बटर पेपर यूज़ किया है. तो सबसे पहले मैं डार्केस्ट कलर यूज़ कर रही हूँ, उसको मैं पोर करूँगी लोफ पैन में और स्पैचुला की हेल्प से उसको फ्लैट कर लूँगी. सिमिलरली मैं लाइटर शेड और वाइट शेड दोनों ऐड कर लूँगी और स्पैचुला की हेल्प से उसको फ्लैट कर लूँगी. मीनवाइल आप अपना ओवन प्रीहीट कर लीजिए एट 180 डिग्री सेल्सियस.
Now we will bake this for around 40 to 45 minutes at 180 degrees Celsius. Guys, my chocolate ombre cake is totally ready and my house is smelling so divine. Iske slice cut karne se pehle, let it cool completely in pan only. अभी ये काफ़ी ठंडा हो चुका है, मैंने इसको रूम टेम्परेचर पर ही रखा था एंड विद द हेल्प ऑफ नाइफ यू कैन लूजन इट्स एजेस सो दैट इट कैन कम्प्लीटली कम आउट फ्रॉम द पैन. गाइस, कैन यू सी द शेड्स? जब मैं इसको कट करूँगी तब आपको उसकी शेड्स और क्लियरली दिखेंगी. विद द हेल्प ऑफ सरेटेड नाइफ यू कैन कट इट ईजली. लुक एट द ओम्ब्रे इफेक्ट, इट्स सो ब्यूटिफुल. Guys, look at the texture, it's so amazing, perfect texture. It's super moist, rich in flavor and very chocolatey. You can store this for up to 1 week and whenever you like to eat, just take it out from the fridge, microwave it and you are good to go. So guys, please do try this recipe, it's very easy and very yummy. And please do subscribe to my channel, guys. Please, आप लोग subscribe नहीं कर रहे हैं. It's totally free. And please press bell icon too. जब भी मैं कोई नई video डालूँगी, आपको उसका notification आ जाएगा. So please press it.